नमस्कार, गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट इतिहास में एक नया टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला उत्खनन क्षेत्र हड़प्पा। इसी कारण से इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आज हम इस हड़प्पा सभ्यता का है वो अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आज से लगभग आधी शताब्दी के पहले तक भारत की प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता को माना जाता था, क्योंकि उस समय हड़प्पा सभ्यता की कोई जानकारी है वो नहीं थी। लेकिन देश की सुविकसित और सुव्यवस्थित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता मिलने के बाद वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन हड़प्पा सभ्यता को माना गया था। अब हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि हड़प्पा जो सभ्यता है इसकी खोज किस प्रकार है वो की गई थी। तो देखिए, सबसे पहले 1826 में मैसन नामक अंग्रेज अधिकारी पर्यटक था, उसने हड़प्पा के खंडरों को देखा था और उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। उसके बाद 1831 में कर्नल बनर्स ने भी हड़प्पा के खंडरों को देखा, लेकिन अभी तक कोई उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए। उसके बाद 1853 से लेकर 1857 ईस्वी में प्रसिद्ध पुरातत्वविद, पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंगम ने हड़प्पा क्षेत्र का निरीक्षण किया। और हड़प्पा क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने इस सभ्यता की खोजबीन के बारे में प्रयास तेज किए। जब 1856 में लाहौर से कराची के बीच में ब्रिटिश सरकार रेल लाइन यानी पटरी बिछा रही थी, तो पटरियों के नीचे इन्हें लकड़ी के व ईंटों की फर्श की आवश्यकता थी, और इसलिए इन्होंने उस समय हड़प्पा नामक खंडर से काफ़ी सारी ईंटें निकालकर पटरी बिछाने के काम में ली थी। उस समय अभी तक किसी को ये पता नहीं था कि जो ये हम खुदाई कर रहे हैं ये सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता का एक स्थल है। धीरे धीरे जब पुरातत्व विभाग ने खोज कार्य शुरू किया, तब सर्वप्रथम 1920-21 में हड़प्पा सभ्यता की खोज शुरू हुई और इस उत्खनन कार्य को करने वाले दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स थे। दयाराम साहनी व
माधव स्वरूप वत्स ने सिंधु नदी घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और उन्हें यहां से एक भव्य नगर के भग्नावशेष मिले। इसके बाद 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में खुदाई का काम शुरू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मोहन जोदड़ो के भव्य नगर के अवशेष मिले थे, उपलब्ध हुए थे। यद्यपि इन दोनों स्थानों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में लगभग 350 मील की दूरी है, किंतु दोनों स्थानों की खुदाई में प्राप्त अवशेषों में बहुत सी समानता थी और इनका तुलनात्मक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से सर्वप्रथम अध्ययन जॉन मार्शल ने किया और बताया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पूर्व ऐतिहासिक सभ्यता के प्रतीक हैं। इस प्राचीन सुव्यवस्थित सभ्यता की खोज के बारे में पुरातत्वविदों की दिलचस्पी बढ़ गई और बहुत से पुरातत्वविदों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया और इसी कारण ब्रिटिश भारत के पंजाब, सौराष्ट्र, राजस्थान और बलूचिस्तान से अनेक समानता वाले वस्तुएं व नगर प्राप्त हुए थी। हमारी इस प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को विश्व की प्राचीन इंडो सुमेरियन सभ्यता के समकक्ष माना गया। इस सभ्यता का सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में विस्तृत होने के कारण इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता का नाम दिया गया था। बाद में इस सभ्यता के अवशेष बलूचिस्तान, गंगा यमुना का मैदान, गुजरात काठियावाड़ और राजस्थान में भी मिलने लगे थे। इस तरह विश्व के सामने भारत की एक प्राचीन सुव्यवस्थित सुविकसित हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु नदी घाटी सभ्यताएं वो आई थी। सिंधु नदी घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, स्थल की खोज की गई थी, इसी कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। बाद में पुरातत्वविदों ने कार्बन 14 परीक्षण प्रणाली से परीक्षण किया और इस परीक्षण के अनुसार इस सभ्यता का काल 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया था। यह वह काल था जिसमें विश्व की प्राचीन सभ्यता के समकक्ष हमारे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता विकसित
हुई थी। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का किस प्रकार से भारत में विस्तार था। तो देखिए 1920 के बाद भारत के पुरातत्वविदों ने पूरे ब्रिटिश भारत में खुदाई कार्य को जोर से शुरू कर दिया, तेजी लाई और उन्होंने इसके समान कई और सभ्यताओं की खोज की, कई और सभ्यताओं को प्राप्त किया था। ऐसी स्थिति में कई हड़प्पई बस्तियां सामने आई। पुरातत्वविदों ने अपनी खोजों से प्रकट किया कि हड़प्पा सभ्यता एक विशाल सभ्यता थी और अभी तक की खोजों से यह सिद्ध हो गया कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एवं उत्तरी भारत में गंगा नदी घाटी तक व्यापक था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र थे। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी सभ्यता का भारत में फैलाव कितना था। तो हम देख सकते हैं कि यह सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर में सूत कांगडोर अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक विस्तृत थी, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र तक विस्तृत थी। इसके क्षेत्र रोपड़, बनावली, लोथल, चनोदड़ो, कालीबंगा जैसे कई क्षेत्र हमें प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का विस्तार श्री रंगनाथ राव के अनुसार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर माना गया है। यह भारत की एक प्राचीन व श्रेष्ठ सभ्यता मानी जाती है। विद्वान इसके काल निर्धारण के बारे में अलग अलग बताते हैं। जैसे सर जॉन मार्शल इस सभ्यता को 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। डॉक्टर राधा मुकुद मुखर्जी जी इस सभ्यता का प्रारंभ 3250 ईसा पूर्व से भी पहले का मानते हैं। इसी तरह डॉक्टर बबरी ने इसे 2800 से लेकर 2500 के बीच माना है, लेकिन नवीन वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति कार्बन 14 के अनुसार इस सभ्यता का काल 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता था। डॉक्टर फ्रैंकफर्ट ने सत्य बात लिखी है
कि यह बिना किसी संदेह के निर्धारित हो चुका है कि भारत ने एक ऐसी संस्कृति के निर्माण में अपनी भूमिका अदा की जिसने यूनानियों के पहले इस विश्व को सभ्य बनाने में योगदान है वो दिया था। धन्यवाद।